बात करेंगे हम राइजिंग स्टार की, और वो हैं हमारे आज के वरुण चक्रवर्ती, जिसकी हम काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्लेइंग 11 राइजिंग स्टार वरुण चक्रवर्ती आज डेब्यू कर रहे हैं। पूरा बोलिंग का जो सिनॉप्सिस है वहां पे ही चेंज हो जाता है कि आप किस तरीके के स्पिनर्स खिला रहे हैं, क्या आप चहल खिला रहे हैं, क्या आप चहर खिला रहे हैं, कुलदीप यादव खिला रहे हैं, उनके साथ आप किसको खिला रहे हैं। यहाँ पे जो पेयरिंग बनेगी उसमें एक वरुण चक्रवर्ती तो है ही, मिस्ट्री स्पिनर की बात की थी। कितना बड़ा मौका है चक्रवर्ती के लिए, आज दिखाना है, आगे बढ़ना है, यही इसी दिन की वेट हो रही है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, काफ़ी समय से जब आप वेट करते हैं और हंगर होता है हर खिलाड़ी के अंदर, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, अच्छी बात यह है कि उनको मौका दिया गया है और इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। आप वर्ल्ड कप ध्यान में रखते हुए इसके बाद IPL है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जितना टीम में खेलेंगे प्लेइंग 11 में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। कई बार आपकी फॉर्म, आपकी फिटनेस जो है ना, वो बेंच पे बैठ के खराब होती है। अच्छी बात है कि उनको आज मौका मिला है। मैं चाहूँगी एक नहीं, उनको तीनों मैच दिए जाएँ, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को ना आपको फेयर अमाउंट ऑफ मैचेस देने होते हैं। एक मैच से आप जज नहीं कर सकते। अगर हम नितिश राणा की बात करें तो लास्ट मैच में वो चले नहीं, तो क्या आप उनको नहीं खिलाएंगे? वही क्वेश्चन मेरा वरुण चक्रवर्ती के साथ भी आता है कि आप उनको एक नहीं, आप उनको तीनों मैच दीजिए। चेतन की प्रॉब्लम क्या है ना, ये इन्वेस्टर नहीं है, ये डे ट्रेडिंग करता है। आज करेंगे कि नहीं, आज करेंगे कि नहीं, ये आज तो करेंगे और बार बार करेंगे। अरे वो नहीं भी करेंगे, मुझे तो भी लगता है वही आना चाहिए तीन मैच। क्या होता है ना कि हम लोग बाहर से देख रहे हैं, हमारा क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे अंदर ही बिल्ड है, वो क्रैब मेंटालिटी जो आप कह रहे थे, सब कुछ सबको पसंद है ना क्रिटिसाइज करना, चर्चा करना, क्रिटिसाइज नहीं कहूंगा चर्चा करना। चेतन, वहां तक पहुंचने का सफर इतना मुश्किल है और इस समय और कॉम्पिटिशन इतना है कि एक या आधा मैच किसी को खिला के डिस्कार्ड कर देना वो ज्यादा बड़ा क्राइम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो पेशेंस आपको रखने चाहिए और वरुण चक्रवर्ती इस तरीके के खिलाड़ी है, आप उसको दो तीन गेम दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप पहले एक दो मुकाबले खेल रहे होते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, कितने इंडिया इंडिया है, आप कहीं पर भी खेले, किसी के खिलाफ भी खेले। बिल्कुल, और वरुण चक्रवर्ती की जो स्टोरी है तो वैसे ही बेमिसाल है। छोड़ गए थे क्रिकेट, उसके बाद वापसी की क्लब क्रिकेट में, TNPL में, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। ये स्टोरी जो है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, एक तरीके से फेरी टेल है। और अभी प्लेइंग 11 की हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन जो आज का जो स्पिन कॉम्पोनेंट है भारतीय टीम का, वो है युजवेंद्र चहल और कृणाल पांड्या। तो जैसे रीमा कह रही थी कि आप उनको एक नहीं तीनों मैच खिलाइए, उनके अराउंड बाकियों को चेंज कीजिए। नहीं, बाकी को चेंज कीजिए। देखिए, जिस तरीके की ये टीम है, मुझे लगता है कि दो फास्ट बॉलर खेलेंगे। उसके अलावा चक्रवर्ती की एक और जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो पहले 6 ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं। तो जब पहले 6 ओवर का एक और गेंदबाज मिल जाता है ना आपको, तो फिर आप तीन गेंदबाजों के साथ करनी तीन फास्ट बॉलर के साथ जाने की जरूरत नहीं है। युजवेंद्र चहल भी आपके पास जो 6 ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आप वरुण चक्रवर्ती। एक और चीज़ है, किसी को खिलाना और उसको प्रॉपर मौका देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर उनको खिलाते हैं तो फिर उस टाइम पे बॉलिंग भी कराइए। वहां पर कप्तान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस समय पे आप उनको गेंदबाजी करते हैं, वो उनको उस तरीके का प्रॉपर मौका मिलता है कि नहीं। हर खिलाड़ी की, खासकर T20 गेम के अंदर ना, हर किसी का एक रोल है। उस रोल को अगर आप अदा करने देते हैं तो वो उसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन आपको होता हुआ नजर आएगा। शिखर इस तरीके के कप्तान है कि वो उनको वो ओवर्स जो मिलने चाहिए वो मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, फिर से इसी बीच पर दारोमदार रहेगा कि स्पिनर्स ज़्यादा खेलते हुए नजर आएंगे आपको, उनका इस्तेमाल कैसे होगा ये देखना है सर।